नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवांस रियल्टी ग्रुप के नए और जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ शुभ आंगन पुष्प यहाँ पे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो अपार्टमेंट है उसका ये नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की तो सवेरा हाउसिंग द्वारा प्रोजेक्ट लाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉपर्टीज रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो एक बार फ्रंट एक बार दिखा दीजिए पूरा। यहाँ पे जो अपार्टमेंट है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको फ्रंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ बात करूँ तो कम्प्लीटली ये कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलियाँ शिफ्ट हो चुकी है, लगभग 70 से ज़्यादा फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। बाकी की चीज़ें एमिनिटीज़ बारे में या लोकेशन के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे ध्रुव जी से मिलकर अपन देखेंगे, बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई है, लोकेशन वगैरह के बारे में सब कुछ अपन उनसे ही बात करेंगे। तो चलिए कैमरामैन जी एक बार अपन ध्रुव जी से बात कर लेते हैं। तो ध्रुव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर, एडवांस रियल्टी ग्रुप के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के बारे में कि सबसे पहले आप लोकेशन के बारे में बताइए सर। ये अपने प्रोजेक्ट सर वाटिका में लोकेटेड है, JDA की कॉलोनी है, हीरालाल शास्त्री नगर, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है और टोंक रोड से राइट लेते हैं वाटिका आता है वहीं पे है ये। बिल्कुल ठीक है सर। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ प्राइजेज के बारे में, साथ साथ ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जैसे कि आपने अपने बात की थी पहले, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो मैं यूनिट्स की बात करूंगा, कितनी यूनिट यहाँ पे टोटल है? अपनी दो बिल्डिंग्स हैं सर, ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 8 टावर सी टावर, 264 यूनिट्स हैं टोटल। Okay. जिसमें से लगभग सारी बिक चुकी है, कोई 10-15 यूनिट अपने पास बाकी है। Okay. 1 BHK 2 BHK दो टाइप्स की यूनिट है, ऐसे मैंने बताया ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर जी प्लस 9 फ्लोर जी प्लस 9। वेरी गुड सर, वेरी गुड। फिर कुछ एमिनिटीज के बारे में बताइए सर कि यहाँ पे क्या एमिनिटीज सर आप देख सकते हैं, अपना पूरा गार्डन हमने डेवलप कर दिया है। गार्डन है ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर यार्ड्स का अपना एक गार्डन है। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल है, कोई भी आपको फंक्शन करने हैं उसके लिए कम्युनिटी हॉल है। बेसिक लिफ्ट सर्विस है, कॉमन एरियाज का DG सेट का बैकअप है, और इसके अलावा नीचे ही हमने शॉप्स डेवलप्ड हैं, जो भी आपको रोज़मर्रा के आइटम चाहिए, ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, वो सब आपको नीचे ही मिल जाएंगे, फल सब्ज़ी नीचे ही मिल जाएंगे, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल टाटा स्काई कनेक्शन है, कोई आपको इंडिविजुअल अपनी छतरियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिकली छत पर एक सेंट्रल यूनिट लगा हुआ है। वाटर सॉफ्टनर प्लांट है, कोई आपको पानी की दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मीठा पानी। बेसिक्स का जो है हमने वो ख्याल रखा है, लाइफ में आपको जो बेसिक्स चाहिए वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही बेसिक है, बेसिक जहाँ कंप्लीट हो जाता है तो सबसे न्यू इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ग काम हो गया। चलिए बढ़िया सर। अच्छा मैं यहाँ पूछना चाह रहा था कि जैसे कि ये अफोर्डेबल है सबसे बड़ी बात, कि कम से कम बजट वाले लोगों को भी अपना घर यहाँ पे मिलने वाला है, तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर 1 BHK लेते हैं तो कितने तक की किस्त यहाँ पे पड़ने वाली है? 1 BHK की सर आपकी जो किस्त आएगी 2,67,000 रुपीज़ की, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जो कि सभी बायर्स को अवेलेबल है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उन सभी को अवेलेबल है, चाहे राजस्थान के हों चाहे राजस्थान से बाहर के हों, सभी के लिए एलिजिबल है। तो जैसे अपना 1 BHK का फ्लैट है 6,97,000 का, उसमें 2,67,000 ये सब्सिडी कम हो जाएगी। ओके तो इफेक्टिवली वो फ्लैट आपको 4 लाख रुपए के समथिंग पड़ता है। 2 BHK का जो फ्लैट है वो 11,18,000 रुपीज़ का फ्लैट है, उसमें भी 2,67,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, तो देख लीजिए आप वो कितने का पड़ा। 1 BHK की जो अपनी EMI है लगभग 3,000 से 4,000 रुपये के आसपास आएगी सब्सिडी कटने के बाद। 2 BHK की जो EMI है वो लगभग 5,000 से 6,000 रुपये के बीच में आएगी सब्सिडी कटने के बाद। तो मेरा मानना है कि जो आदमी महीने के 15,000 से 20,000 रुपये भी कमाता है वो भी आराम से इसमें अफोर्ड कर सकता है। अभी वो रेंट दे रहा होगा तो 2-3 हज़ार रुपये, वो आई थिंक जयपुर में किसी भी लोकेशन पे 3,000 रुपये से कम में आपको कोई ठीक ठाक घर नहीं मिलेगा। तो जितने में आप रेंट दे रहे हैं उसकी जगह आप EMI देके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था कि बिल्कुल सही आइडिया है कि 3-4 हज़ार रुपये से कम रेंट है नहीं, और इतने में आप यहाँ पे अपना खुद का घर, आजकल मोबाइल की EMI नहीं आती 3-4 हज़ार रुपये की, उसमें आपको पूरा घर बना के दे देंगे। तो अभी अपन पॉसिबल है सर 1 और 2 BHK का अपन टूर कर पाए? बिल्कुल, चलिए तो अपन पहले सबसे पहले 1 BHK का टूर कर लेते हैं, उसके बाद 2 BHK का अपन टूर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना में एक और चीज़ सर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना मेरे हिसाब से रजिस्ट्री में भी कुछ छूट होती है। जी रजिस्ट्री इसमें आपको 2 और 3%, 1 BHK में 2%, 2 BHK में 3% लगेगी, जो कि आप अदरवाइज कोई नॉर्मल फ्लैट या प्लॉट खरीदेंगे तो उसमें आपको 8% पे करनी पड़ेगी। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स आपको इसमें मिलती है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे कि सर ने बताया, ध्रुव जी ने यहाँ पे बताया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है सुविधा आपको मिलने वाली है। फिर अपन यहाँ पे पहले सबसे पहले 1 BHK का अपन टूर करेंगे, उसके बाद 2 BHK का टूर करेंगे, बाकी अंदर ही और बहुत सारी चीजें जो है अपन बातें अपन अंदर की तरफ करेंगे। तो चलिए सर एक बार अपन टूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको 1 BHK का यहाँ पे टूर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में यहाँ पे आपको सेटिंग अरेंजमेंट के लिए सोफा का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक बार दिखा दीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे मेरे को जो है सेटिंग अरेंजमेंट के लिए सोफा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे बात करते हैं डिजाइन का, अगर मैं देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ में देखते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। फिर देखते हैं जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ, तो यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस आपको दिख जाता है, जो कि टू सीटर डाइनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे डिजाइन वर्क यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ डाइनिंग ड्राइंग के स्पेस के जस्ट सामने की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे आपको किचन का स्पेस दिखने वाला है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किचन का स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार अंदर से पूरा डिजाइन सब कुछ दिखा दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो वुडन का जो काम किया गया है पूरा, बहुत अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा। सामने की तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे विंडो भी आपको दिखाई देने वाली है। फिर देखते हैं अपन जो इसके बिल्कुल सामने इधर की तरफ जो है वॉशरूम का जो स्पेस है, वो भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वॉशरूम के अंदर। अगर आप चाहें तो वेस्टर्न भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंडियन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे इंडियन जो है लगे हुए हैं, तो आप इसको चेंज करके वेस्टर्न भी आप लोग यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है, टाइल्स वगैरह का बहुत अच्छा यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं अपन वन जो BHK देख रहे थे, उसमें जो वन बेडरूम है, वन बेडरूम का एक बार अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वन बेडरूम के साइज की अगर बात करूँ, लगभग 9x10 के आसपास की यहाँ पे साइज आपको देखने को मिलेगी। बेड की डिजाइन की बात करूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बेड का डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामने की तरफ बात करूँ, तो यहाँ पे टीवी पैनल के लिए भी आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, जो आप यहाँ पे टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ साथ में ऊपर की तरफ देखेंगे तो लैंप का जो जो है वो एक बार लैंप हाईलाइट कर दीजिए, कितना ब्यूटीफुल लैंप भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर देखते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको कवर्स देखने को मिल जाती है। उधर की तरफ भी जो है पूरा प्रॉपर कवर्स का यहाँ पे काम किया गया, साथ साथ में इधर की तरफ भी देखते हैं तो पूरा कवर्स का यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा, जो कि वुडन का पूरा काम यहाँ पे किया गया है। साथ साथ में जैसे ये डिजाइन यहाँ पे जो दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। फिर इधर देखते हैं तो 1 BHK में इधर की तरफ आप जो है बालकनी भी आपको मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे बालकनी का स्पेस दिया गया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल स्पेस यहाँ पे बालकनी का भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 1 BHK का अपन ने टूर किया, लगभग 350 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 1 BHK का अपन ने टूर किया है, तो बाकी 2 BHK का टूर भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलिए कैमरामैन जी एक बार अपन वहाँ पे 2 BHK का टूर कर देते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हम 2 BHK का टूर करवाने वाले हैं। साइज की बात करेंगे अपन, प्राइस की बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका अपन टोटली ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले अपन एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया का स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्पेस दिया गया है। 5 सीटर यहाँ पे आपको सोफा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार डिजाइन जो है दिखा दीजिए कैमरामैन जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा डिजाइन वर्क यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा इस फ्लैट में जो एक सबसे खूबसूरत जो चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको स्मार्ट स्विचेज आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए फोकस करके कैमरामैन जी, ये जो स्विचेज है ये एलेक्सा से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि एलेक्सा से आप जैसे ही बोलेंगे तो ये फैंस लाइट वगैरह सब कुछ ऑन और ऑफ यहाँ पे होने वाली है। फिर देखते हैं बिल्कुल इसके सामने की तरफ, यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया दिख जाता है। डाइनिंग एरिया स्पेस की बात करूँ, तो 4 सीटिंग यहाँ पे अरेंजमेंट आपको यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार इसको फोकस करके दिखा दीजिए, तो डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे स्पेस में आपको मिलने वाला। फिर देखते हैं अपन इधर की तरफ जो किचन का स्पेस है, किचन के स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा किचन का स्पेस भी है। लगभग यहाँ पे किचन का स्पेस 5x8 के आसपास का आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप यहाँ पे लगा के यहाँ पे टाइल्स का वर्क यहाँ पे किया गया, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लुक यहाँ पे देने वाला है। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा वुडन वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर देखते हैं इधर की तरफ वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे विंडो है। साथ साथ में यहाँ पे अगर देखते हैं तो बालकनी का एक स्पेस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बालकनी का भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिर देखते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 2 बेडरूम यहाँ पे आपको जो है मैं टूर करवा रहा हूँ, एक एक बेडरूम करके देखेंगे अपन। तो सबसे पहले इधर वाला बेडरूम देखते हैं। बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ इसकी, तो लगभग 9x9 के आसपास के बेडरूम की साइज है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इंटीरियर डिजाइन जो यहाँ पे किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बेड का यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल बेड का डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ में बात करें सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल के लिए भी स्पेस मिल जाता है, जो कि वुडन वर्क करके बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है। लैंप्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है लगाए गए हैं, इसका भी एक बार लुक दिखा दीजिए।
साथ साथ में अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पे वार्डरोब्स भी आपको दोनों तरफ वार्डरोब्स मिल जाती है जो कि वुडन का यहाँ पे काम किया है। बहुत अच्छा स्पेस में वार्डरोब्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। उधर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भी एक स्पेस आपको दिखाई देने वाला है जो कि बहुत अच्छा डिजाइन वर्क भी यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा एक बेडरूम देखा, अब एक बार यहाँ पे जो वॉशरूम है उसका एक बार मैं दिखा देता हूँ। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको वॉशरूम और जो है आपको अलग अलग पार्टीशन में आपको दिखाई देने वाला। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको इंडियन और वेस्टर्न दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेस्टर्न आपको इंडियन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो वेस्टर्न का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लगवा सकते हैं। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो इस रूम के अगर साइज की बात करूँ मैं तो लगभग 9x10 के आसपास की रूम की साइज है। किंग साइज का यहाँ बेड लगने के बाद भी आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है। सामने की तरफ भी आपको स्पेस यहाँ पे मिलने वाला। इधर की तरफ इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि बाहर की तरफ इधर आपको यहाँ पे वार्डरोब्स देखने को मिल जाती है। वार्डरोब्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा वार्डरोब्स का भी काम किया गया जो कि वुडन में पूरा यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा। इधर की तरफ भी एक बार डिजाइन दिखा दीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि हमने यहाँ पे देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे एंट्री डिजाइन यहाँ पे की गई है। बहुत ही जबरदस्त फ्लैट आपको यहाँ पे मिलने वाला। अगर मैं साइज की बात करूँ लगभग 550 स्क्वायर फीट के अंदर ये फ्लैट आपको मिलने वाला 2 BHK। 1 BHK अगर मैं साइज की बात करूँ तो 1 BHK लगभग 350 स्क्वायर फीट में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं प्राइस की, तो 1 BHK की यहाँ पे प्राइस होने वाली 6,97,000 रुपये। 2 BHK की यहाँ प्राइस होने वाली है 11,18,000 रुपये मात्र। ये जो सब चीज़ें आपने देखी ये एक इंटीरियर का पार्ट है जो कि आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सब भी चाहते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा, उसका थोड़ा आपको जो है एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा जो कि आप बिल्डर से सीधी बात करके उसके बारे में जान सकते हैं कि कितना कॉस्टिंग आपको यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे जो प्रतिनिधि जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उनको कॉल कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए